हेलो स्टूडेंट्स, तो आज का हमारा क्वेश्चन है 9 p n - p² - 4 n² - 5 दिस इज इक्वल्स टू 4 n² + 432 एंड वेयर p एंड n बिलोंग्स टू पॉजिटिव इंटीजर वेयर p इज प्राइम नंबर एंड वी विल फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ n + p। तो देखिए स्टूडेंट्स, इस वाली प्रॉब्लम को हम किस प्रकार से सॉल्व करेंगे। तो स्टूडेंट्स, यहाँ पर मैं सबसे पहले लेफ्ट हैंड साइड में फैक्टर बनाऊंगा। तो देखिए, लेफ्ट हैंड साइड में हमारे पास क्या है, 9 p n - p² - 4 n² एंड ये जो प्लस का 4 n² है राइट हैंड साइड से, जब ये लेफ्ट हैंड साइड में आएगा तो हमारे पास माइनस का 4 n² हो जाएगा एंड दिस इज इक्वल्स टू 432। और ये माइनस का 5 n है, जब ये राइट हैंड साइड में आएगा तो हमारे पास प्लस का 5 हो जाएगा। तो ये हमारे पास आ जाएगा 9 p n - p² एंड माइनस का 4 n² माइनस का 4 n² ये माइनस का 8 n² एंड दिस इज इक्वल्स टू 437। तो हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड में जो एक्सप्रेशन है, ये एक्सप्रेशन स्टूडेंट्स फैक्टराइजेबल है। बट देखिए कैसे, यहाँ पर माइनस का 8 n² है और यहाँ पर 9 p n है। मैं 9 p n को लिख सकता हूँ 8 p n एंड यहाँ पर मैंने लिख दिया प्लस का pn और इसको मैंने यहाँ पर लिख दिया माइनस का 8 n² और यहाँ पर लिख दिया मैंने माइनस का p² एंड दिस इज इक्वल्स टू 437। एंड यहाँ पर आप देखिए ध्यान से, ये 8 p n माइनस का 8 n², इसमें से अगर मैं 8 n कॉमन लेता हूँ तो हमारे पास आएगा यहाँ पर p - n एंड यहाँ पर देखिए ध्यान से, अगर मैं यहाँ से माइनस का p कॉमन लेता हूँ तो यहाँ पर आएगा हमारे पास p - n दिस इज इक्वल्स टू 437। एंड यहाँ पर ये p - n एंड ये p - n कॉमन आ रहा है, अगर मैं p - n को कॉमन लेता हूँ तो यहाँ आएगा हमारे पास 8 n - p n दिस इज इक्वल्स टू 437। और यहाँ पर हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड में देखिए फैक्टर है, यहाँ पर हमारे पास दो फैक्टर है और यहाँ पर हमारे पास 437। तो 437 के अगर मैं फैक्टर बनाता हूँ तो पहला फैक्टर क्या आ जाएगा, 1 * 437 एंड दूसरा फैक्टर आएगा 437 * 1 एंड तीसरा फैक्टर आएगा 19 * 23 एंड फोर्थ फैक्टर आएगा 23 * 19। तो मान लेता हूँ ये केस फर्स्ट है एंड ये केस सेकंड है एंड ये केस थर्ड है एंड ये केस फोर्थ है। तो सबसे पहले हम केस फर्स्ट को सॉल्व करते हैं। केस फर्स्ट क्या होगा कि p - n तो हमारा 1 के बराबर हो जाए एंड 8 n - p हमारा 437 के बराबर हो जाए। तो देखिए इसको सॉल्व करते हैं, p - n बराबर है, p - n बराबर है 1 के एंड 8 n - p बराबर है 437 के, ये बराबर है n के एंड 8 n - p ये बराबर है 437 के, 437 के। अगर हम इसको सॉल्व करते हैं तो ये मान लेता हूँ मैं इक्वेशन फर्स्ट है एंड ये हमारे पास इक्वेशन सेकंड है। अगर मैं इन इक्वेशंस को ऐड करता हूँ तो ये प्लस पी से माइनस पी तो कैंसिल हो जाएगा एंड हमारे पास आएगा यहाँ पर 8 n एंड माइनस का n एंड दिस इज इक्वल्स टू 438 एंड यहाँ पर हमारे पास क्या आ जाएगा, 7 n दिस इज इक्वल्स टू 438 एंड अगर मैं दोनों तरफ 7 से डिवाइड करता हूँ तो हमारे पास ये 7 से 7 कैंसिल हो जाएगा और n की वैल्यू आएगी 438/7 एंड यहाँ पर देखिए 438/7 ये एक इंटीजर नहीं है एंड यहाँ पर हमें क्वेश्चन में पहले ही गिवन है कि जो n है और जो p है वो एक पॉजिटिव इंटीजर है। पर हमारे पास जो 438/7 है ये हमारे पास एक इंटीजर वैल्यू नहीं है, तो इसीलिए इस वाले केस को हम क्या कर देंगे स्टूडेंट्स, इसको हम रिजेक्ट कर देंगे। नाउ केस सेकंड को सॉल्व करते हैं एंड केस सेकंड में क्या है, 437 है एंड 1 है, यानी कि p - n। देखिए इसको मैं ही सॉल्व करता हूँ, p - n तो 437 है एंड 8 n - p 1 है, 8 n - p ये 1 है। अगर मैं इनको ऐड करता हूँ तो प्लस पी से माइनस पी कैंसिल हो जाएगा एंड 8 n में से इस n को माइनस करेंगे तो 7 n दिस इज इक्वल्स टू 438 एंड यहाँ पर दोबारा से n की जो वैल्यू आ रही है वो आ रही है 438/7 एंड हमें पता है कि ये एक इंटीजर वैल्यू नहीं है, तो ये वाला केस भी क्या हो जाएगा, रिजेक्ट हो जाएगा। नाउ केस थर्ड एंड केस फोर्थ को सॉल्व करते हैं। तो केस थर्ड को सॉल्व करते हैं, केस थर्ड क्या होगा हमारे पास कि p - n और 8 n - p। देखिए केस थर्ड में क्या है हमारे पास कि ये 19 के बराबर है
एंड ए टेन माइनस बी हमारा 23 के बराबर है, तो ये हमारा बराबर है 19 के, सॉरी ये बराबर है हमारा 19 के, एंड ए टेन माइनस बी बराबर है 23 के। तो इसको सॉल्व करते हैं, मान लेते हैं इसको इक्वेशन थर्ड एंड इसको इक्वेशन फोर्थ। अगर हम इन इक्वेशंस को ऐड करते हैं तो ये प्लस पी से माइनस पी कैंसिल हो जाएगा, एंड ए टेन में से माइनस का एन करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा यहाँ पर 7 एन। दिस इज इक्वल्स टू 19 में जब हम 23 को ऐड करेंगे हमारे पास आएगा यहाँ पर 2 एन 4, यहाँ पर आएगा हमारे पास 42। अगर मैं दोनों तरफ 7 से डिवाइड कर देता हूँ तो इस 7 से 42 कैंसिल हो जाएगा, 6 बार से 7 से 7 कैंसिल हो जाएगा, तो एन की वैल्यू कितनी आ जाएगी 6, जो कि एक इंटीजर वैल्यू है। एंड अगर हमें यहाँ पर गिवन है पहले से ही कि पी माइनस एन किसके बराबर है, 19 के बराबर है, एंड एन की वैल्यू कितनी है, एन की वैल्यू है 6, तो पी माइनस 6 दिस इज इक्वल्स टू 19 या 19, एंड पी इज इक्वल्स टू 19 प्लस 6 देन पी इज इक्वल्स टू 25। आप यहाँ पर एक चीज नोटिस करेंगे कि एन भी हमारा इंटीजर है एंड पी भी इंटीजर है, बट यहाँ पर क्वेश्चन में एक कंडीशन और गिवन है कि जो पी है हमारा वो एक प्राइम नंबर है, तो ये वाला भी केस क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स, ये वाला भी केस रिजेक्ट हो जाएगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पर ये जो पी है, ये जो हमारे पास 25 आ रहा है, ये एक प्राइम नंबर नहीं है, एक इंटीजर वैल्यू तो है बट ये प्राइम नंबर नहीं है। पी और एन इंटीजर भी होने चाहिए, और एन हमारा कोई भी नंबर हो सकता है, एन हमारा एक इंटीजर होना चाहिए, और पी हमारा इंटीजर के साथ साथ प्राइम होना भी जरूरी है, तो ये वाला केस भी क्या हो जाएगा, रिजेक्ट हो जाएगा। अब हम सॉल्व करते हैं केस फोर्थ को, तो केस फोर्थ को सॉल्व करते हैं, एंड यहाँ पर देखिए केस फोर्थ में क्या है कि पी माइनस एन 23 के बराबर है और ए टेन माइनस पी 19 के बराबर है, तो इसको सॉल्व करते हैं स्टूडेंट्स। तो देखिए आगे यहाँ पर आएगा हमारे पास पी माइनस एन बराबर है 23 के, एंड एट एन माइनस पी बराबर है 19 के। अगर मैं इन इक्वेशंस को ऐड करता हूँ तो प्लस पी से माइनस पी कैंसिल हो जाएगा, एंड एट एन में से एन को माइनस करेंगे हमारे पास आएगा 7 एन। दिस इज इक्वल्स टू 23 में जब 19 को ऐड करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा यहाँ पर 42, एंड डिवाइड करेंगे बोथ साइड 7 से, देन 7 से 7 कैंसिल हो जाएगा, एंड 42 को जब हम 7 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आएगा 6, एंड यहाँ से हमारे पास एन की जो वैल्यू आ गई वो कितनी आ गई 6। एंड यहाँ पर हमारे पास है कि पी माइनस एन किसके बराबर है 23 के, ये देखिए कि पी माइनस एन किसके बराबर है 23 के, तो जब हम इसको आगे सॉल्व करेंगे यहाँ पर एन की वैल्यू कितनी है 6, तो पी माइनस 6 दिस इज इक्वल्स टू 23, एंड पी की जो वैल्यू आ जाएगी वो आ जाएगी 23 प्लस 6, एंड यहाँ से हमारे पास पी की जो वैल्यू आ रही है वो आ रही है 29। तो देखिए हमारे पास एन और पी दोनों इंटीजर है, और एन भी इंटीजर है और पी इंटीजर के साथ साथ प्राइम नंबर भी है, और हमें यहाँ पर किसकी वैल्यू पूछी गई है, हमें वैल्यू पूछी गई है एन प्लस पी की, तो एन प्लस पी की वैल्यू कितनी हो जाएगी, एन की वैल्यू एन प्लस पी की जो वैल्यू हो जाएगी, एन की वैल्यू कितनी है हमारे पास, एन की वैल्यू है 6 एंड पी की वैल्यू है 29। जब हम इनको ऐड करेंगे तो हमारे पास फाइनल आंसर कितना आ जाएगा, 35। तो ये हमारा फाइनल आंसर आ जाएगा। मैं उम्मीद करता हूँ स्टूडेंट्स वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए एंड वीडियो को लाइक कर दीजिए। मिलते हैं अगली नई वीडियो में एक और नए क्वेश्चन के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।